नमस्कार। अहोई आठे अष्टमी व्रत की सभी को शुभकामनाएं। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठे उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई स्याऊ तथा सेई के बच्चे का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के पश्चात अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजा कर एक लोटा जल भरकर एक कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुनें। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं, जिसे स्याऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा दें। जिस प्रकार गले में पहनने के लिए हार में पेंडेंट लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई ढलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा दें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं को लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का ब्याह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावे। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्जवल। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जवल करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्यानुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवे। तीयल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, जो कर रहा है आज मैं देखूंगी।
गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको दसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, सात समुद्र पर स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुए पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुए निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे सात बेटे और सात बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, सात बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे सात बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमर करियो, सात अहोई बनाकर सात कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि सात बेटे सात बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने सात अहोई बनाई, सात उजमर किए और सात कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्ची को याद करके ना रोने लगे। देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमड़ हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने जो कोख बंधवाई नहीं थी सो मैंने कोख बंधवा ली थी, अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने, इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। विशेष कथा का जोड़ा पढ़ने के लिए गणेश जी विनायक की कथा भी पढ़ें। अष्टमी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, सीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे कर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ समय के लिए ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया।
इस तरह बिना आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो, यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार साहूकारनी लौट कर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को चले गए। व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी जगह एक सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। वह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया और दूसरा और तीसरा अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में मैं सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है और इस तरह विधि विधान पूर्वक पूजा करने के बाद माता अहोई जी का व्रत संपन्न होता है और उसके बाद उनकी आरती करनी चाहिए। प्राप्ति के लिए उनका जो भी आप संकल्प किया हुआ है आप उसे कीजिए और इस प्रकार अहोई व्रत का समापन करना चाहिए। धन्यवाद।